लैपटॉप कैसे बाय करें, क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो चलिए उसको बताते हैं। देखो, पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि आप लैपटॉप नॉर्मल लाइट वेट वर्क के लिए तो नहीं ले रहे हो। ऑब्वियसली कोई नहीं लेता, आज के ज़माने में तो नहीं लेता। आज से 5 साल 7 साल इसके टाइम पर तो मैं बात कर सकता था कि लोग सिंपल म्यूज़िक सुनने के लिए भी कुछ लोग ले लेते हैं, सिंपल कुछ मूवीज़ देखने के लिए भी ले लेते हैं। बट आपके पास में एक अच्छी डिवाइस है आजकल, एक बेहतरीन क्वालिटी की उसमें डिस्प्ले है, साउंड सिस्टम उसका अच्छा है और फेयरली कैपेबल डिवाइस है। तो ये तो आप दिमाग से निकाल लो कि आप लैपटॉप को नॉर्मल वर्क के लिए, सिर्फ मीडिया कंजप्शन के लिए ले रहे हो। नहीं, आप नहीं ले रहे हो। और अगर कोई ले रहा है और वो भी 25,000 से कम का लैपटॉप या 30,000 से कम का लैपटॉप, वो भी सिर्फ मीडिया कंजप्शन के लिए, तो वो बेवकूफ़ है। वो इसलिए क्योंकि ना तो वो लैपटॉप मीडिया कंजप्शन के लिए होते ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखें, ऑब्वियस सी बात है प्रोसेसर, क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए ले रहे हो। अगर आप ऑफिस सूट के लिए ले रहे हो तो आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल टैब्स खुले हुए होंगे, ऑफिस के, एमएस वर्ड के, एक्सेल के, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीटास्किंग चाहिए। मल्टीटास्किंग इन द सेंस मल्टी कोर प्रोसेसर होना चाहिए, ज़्यादा जितना ज़्यादा कोर उतना ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा। दूसरा, लैपटॉप की जनरेशन, प्रोसेसर की जनरेशन पुरानी ना हो। ये बहुत प्रॉब्लम है, लोग 10th जनरेशन 8th जनरेशन के लैपटॉप ले लेते हैं, i5 देख के, i7 देख के, नहीं वो किसी काम के नहीं है। अगर आपको इंटेल में लेना है तो 11th जनरेशन या अप, और अगर आपको राइजन लेना है तो 5000 सीरीज़ या उससे अप, 6000 सीरीज़, इस टाइप से लो, बस इससे नीचे मत जाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया लैपटॉप में प्रोसेसर के ऊपर। देखो, प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे इसके कंपैरिजन में और किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, इस पर मत करो। ठीक है, और जहाँ तक हो सके तो कोर i3 को अवॉइड करो या फिर Ryzen 3 को अवॉइड करो। दे आर जस्ट बिलो एवरेज, दे आर जस्ट बेसिक, सो यूज उनको मतलब i5 या Ryzen 5 लेने की कोशिश करो। और अगर आपका बजट 35,000 से कम है, ठीक है, तो एक काम करो, किसी का सेकेंड हैंड 1 साल चला हुआ लैपटॉप ले लो i5 में। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, भले से ही वो 1 जनरेशन पुराना है बट है तो वो i5 ही, उसमें ज़्यादा कोर का प्रोसेसर मिलेगा, एक फेयरली अपग्रेडेबल डिवाइस मिलेगी, वो कैपेबल डिवाइस मिलेगी। चलो, लैपटॉप की प्रोसेसर की तो बात हुई, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है उसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले IPS होनी चाहिए, आज के ज़माने में तो एटलीस्ट IPS लो ही यार। ठीक है, ये TFT किसी काम की नहीं है, एंगल शिफ्टिंग होती है, ये होता है वो होता है, तो चलो ये भी हो गया। और इसके बाद में एक प्रॉब्लम आती है फ्लेक्सिंग करने की, मतलब जो उसकी बॉडी है वो फ्लेक्स फ्लेक्स ना करे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप टाइपिंग करोगे और वर्क करोगे, यूज़ करोगे, और पता चल रहा है बॉडी बेकार है, बॉडी ज़्यादा कमज़ोर है। प्लास्टिक, या प्लास्टिक भी दो तरीके के आते हैं, एक तो आपने वो देखा होगा लेनोवो की सीरीज़ आती है, एक बहुत बहुत ज़्यादा मिलिट्री ग्रेड, जिसको मिलिट्री ग्रेड बोलते हैं, वो वाली बॉडी लो। हालांकि मुझे सबको पता है कि 40,000 से कम के लैपटॉप्स में बहुत मुश्किल होता है मिलना, या 45,000 से कम के लैपटॉप में अच्छी बॉडी मिलना मुश्किल होता है, बट अगर फिर भी देखो कि स्टडी बॉडी मिले बिल्कुल, ठीक है, मिलिट्री ग्रेड में। बॉडी हो गई, प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गई, और फोर्थ नंबर पर मैं रखना चाहूँगा, वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट अपग्रेडेबिलिटी। देखो, अपग्रेडेबिलिटी को मीडियम में लाई कर सकते हैं, मतलब देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये 8 GB RAM वाला प्रोसेसर है, बट इसमें एक स्लॉट इसमें खाली है। ठीक है, तो मैं फ्यूचर में चाहूँ तो मैं इसमें 8 GB का एक और रैम स्टिक लगा के इसको 16 GB बना सकता हूँ, तो ये फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर इसका फेयरली कैपेबल है, 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, तो रैम 16 GB हो जाएगी तो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। बट कुछ ऐप कुछ लैपटॉप्स ऐसे आते हैं, जैसे कि आप ले लो रियलमी बुक्स, अब रियलमी के लैपटॉप्स आए थे, उन्होंने रैम की जगह सोल्डर्ड रैम यूज़ की थी, स्टिक की जगह, तो उस सोल्डर्ड रैम में प्रॉब्लम क्या है, अपग्रेडेबिलिटी 0। सोल्डर्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अपग्रेडेबिलिटी मतलब है 0, यानी कि आपको बिल्कुल भी उसमें, आप फ्यूचर में उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो ऐसे लैपटॉप्स को अवॉइड करो। ठीक है, ऐसे लैपटॉप को बिल्कुल भी चूज़ मत करो, अवॉइड करो। ठीक है, तो अपग्रेडेबिलिटी हो गई, और SSD वगैरह तो नॉर्मली मिल जाती हैं, अपग्रेडेबल होती ही हैं।
NVMe SSDs, तो इन चीज़ों पर फोकस करो। और बैटरी लाइफ देखो, बैटरी लाइफ उसके बाद में आती है। बैटरी लाइफ का चार पाँच घंटे अगर कोई चीज़ चल रही है तो काफ़ी है, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे कम है, क्योंकि देखो आजकल इतनी तो फेयर ली मिल जाएगी। अगर आपको इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको 60-70 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे मिनिमम, लेकिन अगर 50 हज़ार से कम नीचे में आपको 4-5 घंटे मिल रहा है तो इट्स एनफ, और एनफ है यार, ठीक है, 5 घंटे के आसपास नॉर्मल यूसेज में। चलो ये भी हो गया, बैटरी का बैकअप हो गया। और उसके बाद में सबसे बाद में एक ऑप्शन आता है साइज़। कुछ लोगों को 15 इंच पसंद है, कुछ लोगों को 14 इंच पसंद है, पर मैं अगर मैं बात करूं तो मेरे मेरा खुद का जो कहना चाहिए, मैं खुद जो लेना चाहता हूं या फिर लेना चाहूंगा इन द फ्यूचर भी, वो लैपटॉप हमेशा 14 इंच को ही प्रेफर करूंगा मैं। उसका कारण ये है कि देखो मेरे पास में 15 इंच का लैपटॉप था, 15.6 इंच डिस्प्ले वाला, और वो इतना, मतलब यार मैं कोई 6.5 फुटा बंदा तो हूँ नहीं, ठीक है, जिसके जिसको 15 इंच का लैपटॉप भी छोटा सा लगेगा, ठीक है। तो ये 14 इंच का लैपटॉप मैं बैग पे कैरी कर सकता हूँ और ये मेरे यू नो कोई मुझको ज़्यादा इशू भी नहीं करेगा। और ये इसमें छोटे लैपटॉप का होने का एक फ़ायदा है 14 इंच का, कि इसका वेट कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को चलो मैं रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर के कंपैरिजन में और कुछ थोड़ा कम मिल रहा है तो प्रोसेसर को ही प्रायोरिटाइज करो। उसके बाद में आता है डिस्प्ले, क्योंकि आप डिस्प्ले पर ही देखोगे सब कुछ। उसके बाद में आता है बॉडी की स्टर्डीनेस। बॉडी अगर फ्लेक्स कर रही है तो आपको ना तो टाइपिंग में मजा आएगा ना लैपटॉप को चलाने में मजा आएगा। 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ है अपग्रेडेबिलिटी। अपग्रेडेबिलिटी अगर नहीं है तो आपका लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ नहीं है, तो फिर या तो एक काम करो, आज ही जितनी रैम लेनी है आपको उतनी रैम ले लो। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में 16 GB की ज़रूरत पड़ सकती है तो आज ही ले लो, नहीं तो अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन एक स्लॉट होना चाहिए, ठीक है, शोल्डर्ड मतलब, ठीक है। तो इस तरीके अगर आप इस वे में अगर आप लेके चल रहे हो चीज़ों को, मतलब इसी टाइप में कि पहले प्रोसेसर को देखते हैं, उसके बाद में डिस्प्ले, उसके बाद में बॉडी, और ये चीज़ें इस टाइप से देखोगे तो ही आप एक अच्छा लैपटॉप ले पाओगे। ओके बाय।